सरकारी राशन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। गरीबों को दो वक्त की रोटी नसीब कराने के लिए सरकार फ्री राशन बांट रही है, लेकिन यह गरीबों के मुंह तक पहुंचने के पहले ही गायब हो जाता है। माँ शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग, मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। सागर जिले के राहतगढ़ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें राशन विक्रेता ने मनमानी करते हुए 9 महीने से राशन बांटना बंद कर दिया है। इतने समय से राशन न बंटने के बाद भी जिम्मेदार आंखें बंद किए बैठे हैं। परेशान ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार से राशन दिलाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत रजवांस के ग्राम गढ़ा के निवासी तहसील पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि हमारे गांव में 9 माह से एक भी परिवार को राशन नहीं दिया गया है। सहायक सेल्समैन शरद रैकवार गाँव के लोगों की खाद्यान्न पर्ची अपने कब्जे में किए हुए हैं। कई बार वह राशन मशीन पर अंगूठा लगवा लेता है और पर्ची जमा करके राशन न देकर कहता है कि सर्वर चले गए हैं। इसके बाद स्टॉक ना होने का बहाना बनाते हैं। लोगों का कहना है कि सेल्समैन राशन कालाबाजारी करता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि राशन सहायक विक्रेता शरद रैकवार पर FIR दर्ज कर हमारा राशन दिलाया जाए। ये खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं रही हैं। इसकी शरद रैकवार नाम का एक लड़का है जो काफी समय से हमारे यहाँ बांटता आया है। पिछले 8-9 महीने से ग्राम पंचायत रजवास में, गढ़ा में, पिपरिया गांव में, हरसोरा में भी ये अनियमितताएं रही हैं और अभी तक इसने राशन नहीं बांटा है। इस संदर्भ में सभी गढ़ा के निवासी यहां पर आए हैं और कुछ लोग यहां सागर गए हैं ज्ञापन देने के लिए। 8-9 महीने से राशन नहीं बांटा, इससे पहले शिकायत नहीं किया आपने? इसके पहले शिकायत की थी अनुविभागीय अधिकारी जी के पास, किंतु उसके बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद चुनाव हो गए तो अभी तक वो कार्रवाई जो है वो पेंडिंग में पड़ी हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अगर किसी प्रकार का घोटाला है तो FIR करके इसको जेल भेजा जाए। ये हम लोगों की हितग्राहियों के अंगूठे कुछ समय पहले लगवाए गए, पिछले 5-6 महीने से नहीं लगे। लगे तो उनको मिला कि नहीं मिला? नहीं, उनको भी नहीं मिला, नहीं मिला। आज ग्राम पंचायत रजवास की गाँव ग्राम गढ़ा में विगत 9 महीने से राशन नहीं बांटा जा रहा है और बहुत लोग परेशान है। जो गढ़ा के लोग आए हैं, चाहे रजवास हो, चाहे मतलब पूरी पंचायत में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों ने बोलता है, वो कहते जहाँ शिकायत करने कर दें। इसके पूर्व में सारी ग्रामवासियों ने माननीय मंत्री जी से भी शिकायत की थी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ग्राम पंचायत किटुआ रजवास के लोगों ने यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उनकी ये शिकायत है कि पिछले 5-6 महीने से उनको राशन वितरण नहीं किया जा रहा है और 1-2 माह के अंगूठे भी उनसे लगवाए गए हैं। इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर को समक्ष में बुलाकर जांच के लिए आवेदन उनको दे दिया गया और शीघ्र जांच करवा ली जाएगी। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। माँ शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर। साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है माँ शारदा एंटरप्राइजेस, तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।